हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आपके प्यारे अरुणीता और पवनदीप से। कुछ एक लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था अरुदीप के इंटरव्यू के बारे में, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ, ये इंटरव्यू मैंने लास्ट वीक किया है और इसे अब आपके सामने लेकर आ रही हूँ। इस दौरान आप सभी को मालूम पड़ चुका है कि पवनदीप इज़ बीइंग क्वारंटीन्ड, सो चलिए उनके लिए दुआएं कीजिए और ये इंटरव्यू को एंजॉय कीजिए। पहचाना कि नहीं अरुणिता जी बिल्कुल पहले भी मिले दैट वाज आल्सो फन। मैंने पवन को बताती हूँ उनका नाम लेने में मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे रियली आई हैड टू राइट द नेम डाउन, लिखना पड़ा था, तब जाके मैं इनका नाम सही ले पाई थी। आप खुद एक सिंगर है अरुणिता, आप खुद एक सिंगर है, तो पवनदीप की ऐसे सिंगिंग में क्या खासियत लगती है आपको जो लगता है कि ये बहुत परफेक्ट? हाँ जी लगती हूँ जी बहुत परफेक्ट है कि इनका जो टोनल क्वालिटी है ना, मतलब वो सब गाने में सूट होता है, एवरी ईच एंड एवरी सॉन्ग। मतलब वो अगर किशोर कुमार जी के गाने गाएंगे तो उसमें भी सूट होता है, अरिजीत सिंह के गाने गाएंगे तो उसमें सूट होता है, मतलब किसी में भी डाल दो तो वो सूट करता है वॉइस के हिसाब से। और इनके ये जब गाते हैं ना पवन, तब उनके साथ ऑडियंस का जो कनेक्ट है वो बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब कुछ ही गा दिया तो एकदम से कनेक्ट हो गया, कैसे तो तो वो इनकी इनकी मेरे हिसाब से कुछ इनका नहीं है भोला वाला ऐसा चेहरा भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता होगा एकदम भोले से दिखते हैं नहीं है ओके अच्छा पवनदीप, अब आपसे जानना चाहूंगी कि अरुणिता की ऐसी कौन सी बातें जो उन्हें बहुत खूबसूरत सिंगर बनाती हैं? सबसे पहले तो उनका जो व्यवहार है वो उनके गाने में दिखता है, तो वो ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है कि उनका व्यवहार जो जैसा आदमी होता है ना वो अच्छा लगता है। टीवी पे आप देखते हैं कि कितनी शांत और इतना रुक के गा रही है वो, तो एक्चुअली में वो है भी ऐसी है। तो म्यूजिक बिल्कुल आपके पूरे जुड़ा रहता है, तो वो पूरा जैसे आप होते हो वैसा ही म्यूजिक आप जो गाओगे तो वो वैसा ही सुनाई देगा। थोड़े से चंचल हो तो वो दिखता है कि हाँ ये चंचल है थोड़ा सा गानों में, तो ये बहुत शांत है, बहुत मैंने बताया भी था बहुत देर में समझती है, लेकिन गाना बहुत जल्दी समझती है और बहुत प्यार से गाती नहीं, मुझे समझा नहीं ये देर में समझती का ये क्या बात है, ये क्या चीज है? कोई भी बात हम अरु को बोलते हैं तो उसके पहले समझ में नहीं आता है, जैसे नॉर्मल बात भी होगी। मैं जैसे आपने अभी आपने मुझसे पूछा तो लेकिन ये बिल्कुल गाने में इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो इतनी भोली है, तो गाना इतना प्यारा साउंड करता है उसका, और उसकी वॉइस तो आप एक फिल्मी वॉइस कह सकते हैं। आप किसी भी हीरोइन के पीछे डाल दीजिए तो वो कमाल ही लगने वाला है, कमाल ही लगने वाला है। तो ओके बहुत टैलेंटेड है, बहुत बहुत समझ के गाती है, बहुत सुरीली है, इतना भी कुछ नहीं है, सच अरे है। अभी बाप ये रे। अच्छा अरुणिता, पहली बार जब पवनदीप को देखा था तो लगा था कि ये इस सिंपल से भोले से शख्स के पीछे आवाज बड़ी दमदार है? व्हाट वाज द नहीं वाइब? एक्चुअली नहीं 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 मैंने ना इनको और सवाई भैया को साथ में देखा था ऑडिशन पे, तो मतलब ये दोनों ही एक मतलब दो जन थे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने होल्डिंग एरिया पे बस इन दोनों को देखा था, बस जब से बैठे हैं तब से गा ही रहे, कंटिन्यूअसली गा ही रहे, वो भी गा रहा है ये भी गा रहा है ये भी गा रहा है तो वो भी गा रहा है, और एक भी ऐसा गाना नहीं है जिनको पता नहीं है, सब गाती रहे, मतलब वो भी गा रहा है तो उनके साथ ये भी उसमें गा रहे, ये गा रहे तो इनके साथ वो भी गा रहा है। इन दोनों को मैंने ऐसा देखा था कि जो गा ही रहे बस, बाकी सब हेडफोन लेके गाना सुन रहे हैं या तो फिर घर पे बात कर रहे हैं या तो फिर शांत बैठे हैं, पर कंटिन्यूअसली सुबह से रात तक गाना ही गा रहे, तो ये इन दोनों को ही देखा था मैंने फर्स्ट टाइम। मेरे को तो लगता है कि ना वो समय बार बार नहीं आता है, तो उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए उस होल्डिंग एरिया में। इंडियन आइडल के इतने बड़े मंच के होल्डिंग हाँ एरिया में गा लो, खूब, क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले पर इनका पैशन ही है, मतलब पूरा दिन भी गाने को बोलो तो वो उतने ही फीलिंग से पूरा दिन गा देंगे ऐसा। और पवनदीप आपने देखा था, और जब देखा तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि किस तरीके की सिंगर या किस तरीके की शख्सियत होगी अरुणिता की? मैंने तो पहले देखा ही नहीं था, उसके बाद इसका ऑडिशन मैंने देखा जब, तो हम लोग अभी क्या होता है कि इतने सारे बच्चे आते हैं ना तो एक साथ रहते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि एक नए 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 होते हैं। तो जब हम बहुत कम हो गए थे उसके बाद हमारी दोस्ती हुई सबकी, हमारे जितने सारे लोग थे हम लोग सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, आपको टीवी में दिखाई भी देती होगी। तो अरुणिता का हम मैंने लगा ना एरी पवन, वो जो आपने
ऑडिशन में गाया था ना। हाँ, तो मैंने कहा क्या वॉइस है आपकी, तो मैं तब से इनका फैन हूँ। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपका फैन हूँ, बहुत अच्छी आवाज लगती है। क्या वो टोनल क्वालिटी है, चार सर बोलते हैं ना, टोनल क्वालिटी, वोकल एम्पलीफायर, वो सब बहुत अच्छा है इनका। तो मैं अरुणिता का फर्स्ट ऑडिशन से फैन हूँ। ये जो भी गाना गाती हैं बहुत कमाल लगता है। अच्छा, सबसे अगर मैं इंडियन आइडल में नहीं होता, अगर मैं वहां से बाहर से मतलब इंडियन आइडल देख रहा होता और मैं घर पे होता, तो मेरी फेवरेट सिंगर अरुणिता होती और सभी भाई होते। ये सबसे डिफिकल्ट गाना जो आप अरुणिता को देना चाहते हो कि वो गाए। देखिए, गाना डिफिकल्ट, गाना सरल नहीं है, गाना सरल, गाना डिफिकल्ट है। वाह वाह वाह, तो ट्रू। तो कौन सा गाना, मतलब मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, मैं इसको कोई डिफिकल्ट गाना ऐसा है नहीं कि ये जो नहीं गा सकती है, ये सब गा सकती है। तो क्या होता है ना, कोई भी सिंगर होता है उसको प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा एक बार सुनना तो पड़ेगा, एक बार में कोई भी नहीं गा पाएगा। मेरे को ऐसा लगता है अरुणिता की इतनी तैयारी है कि कोई भी गाना दोगे तो वो बेझिझक होके बिल्कुल तैयारी के साथ ऐसा गाएगी कि जैसे कि उसी ने गाया है। क्या बात है अरुणिता। और चलिए आप बताइए, आप कौन सा गाना देना चाहेंगी, जस्ट वन लाइन, इफ यू डोंट हैव टू सिंग। हाँ, मतलब ऐसे तो मतलब मेरा एक दोष है, मैं बोलूंगी कि बचपन से ही मुझे जब कोई बोलते ना कि एक गाना सुनाओ, मुझे मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं आता कि मैं भी क्या गाऊँ। सच्ची ये सब बात एकदम सच है, मुझे कुछ भी याद नहीं आता कि मैं सुनाऊँ क्या, तो कुछ भी याद नहीं आता है। पर ये एक ऐसे सिंगर है, इनको सूफी दे दो। मैंने अभी जैसे बोला, मतलब सब गाने में सूट तो करता ही है इनका वॉइस, ऊपर से सब कोई भी गाना वैसा ही गा देंगे। सूफी है तो थोड़ा ऐ वाला वॉइस तो वैसे गा देंगे, मतलब कुछ भी गा देते, मतलब कवाली, कुछ भी। तो ऐसा कुछ इनके वॉइस में सब गाना सूट होता है, तो ऐसा कुछ मतलब वो तो अभी सोचना पड़ेगा फिर इस लेके की फिर कुमार का ये वाला गाना सुनना है, अरिजीत सिंह का ये वाला गाना सुनना है, क्योंकि सभी सूट करते हैं इनके वॉइस में। तो ऐसा तो सोचना पड़ेगा, मुझे एकदम से अभी याद नहीं आ रहा है। अरे चलिए, मुझे एक बात बताइए, आप कोलकाता की हैं और ऐसा कभी होता है कि पवनदीप कोलकाता में आपके घर पे पहुंचते हैं, तो कोलकाता की ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह है जो आप एक या दो जो आप पवनदीप को दिखाना चाहेंगी? माय गॉड, अरे बाप रे। कोलकाता में ऐसे घूमने की जगह तो बहुत है, मैं भी उतना नहीं गई हूँ बाहर, मैं बहुत ज्यादा बाहर वाली हूँ, बाहर बाहर मैं नहीं गई हूँ। मैं ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस कुछ ऐसा होगा, मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ का मतलब ये तो पहाड़ों में रहते हैं, वो तो अलग ही है, इनको कुछ पसंद ही नहीं आएगा उसके बाद, मतलब पहाड़ों बर्फ वो सब पसंद ही नहीं आता है कुछ। पर मेरे घर पे टेरेस जो है ना, वो मेरी मम्मी इतनी अच्छी से सजाए है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा बहुत पसंद वाला जगह है ये। वो मतलब छोटा है पर वो वहां जाके एक अजीब, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब एक अजीब फील होता है, इतना अच्छा फील होता है ना, मतलब वाओ वाला फील होता है। और टूरिस्ट प्लेस तो बहुत सारे हैं कोलकाता में, तो कहाँ कहाँ है, मतलब क्या क्या ही है। मतलब मुझे एक बार इच्छा थी कि मैं निको पार्क बोल के एक पार्क है वहां जाऊँ। तो मैं उनको जाऊंगी। और आप क्या क्या दिखाएंगे, कौन सी कोई चीज, कोई पहाड़ की खूबसूरती दिखाना चाहेंगे? चंपावत ले जाऊंगा इनको, पहले ये वही देख के पागल हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं इनको पिथौरागढ़ ले जाऊंगा थोड़ा और हाइट में, फिर मैं इनको धारमा वैली ले जाऊंगा बिल्कुल हिमालय में, फिर वहां से नीचे पैराशूट में वापस लाऊंगा राइडिंग करते हुए, पैदल ट्रैकिंग होगी, तो वहां पे टेंट लगा के रहना पड़ता है, तो पूरे हम लोग बहुत सारे लोग जाएंगे और वापसी में इनको पैराशूट द्वारा नीचे। ब्यूटीफुल।